सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन। ये वीडियो सीरीज जो अभी आप देख रहे हैं वो है कोर्स 504 और कोर्स 505 की सीरीज, लेक्चर्स की सीरीज। यहाँ पर अगर आपने पहले के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स मिल जाएंगी, तो जरूर वीडियो लेक्चर्स देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न देखें और भी कई महत्वपूर्ण लिंक्स वहां पर हैं, तो जरूर डिस्क्रिप्शन चेक करें। आज इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और कवर करेंगे अगला टॉपिक हमारा, जो कि है कोर्स 505 का ब्लॉक 3 का। ये टॉपिक है यूनिट 9 का, यानी कि इकाई 9 का। टॉपिक नंबर है ये 9.5, यानी कि 9.5 ये टॉपिक है, जिसका नाम है मूल्य निर्धारण के प्रकार। तो हम मूल्य निर्धारण के बारे में ये यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसे आप मूल्यांकन कह सकते हैं, एवेल्युएशन कह सकते हैं, तो इसका टॉपिक है यहाँ पर। और 9.5.1 से ये स्टार्ट है, औपचारिक और अनौपचारिक मूल्य निर्धारण के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ दो तरीके के औपचारिक और अनौपचारिक मूल्य निर्धारण की बात की गई है, तो इसको एग्जाम्पल से समझाया गया है, उदाहरण से। तो पहला बताया गया है कि एक अध्यापक है और एक पक्षी के व्यवहार के बारे में बच्चों के द्वारा लिखित उत्तर को वो ठीक कर रहा है, एक तो ये है। दूसरा है वही अध्यापक जो है वो दो बच्चों के बीच के बातचीत को सुन रहा है, जिसमें एक बच्चा अपने अंकल के फॉर्म पर, जो फॉर्म हाउस होता है वहां पर देखे गए पक्षियों के बारे में बता रहा है। तो ये दो चीजें सेम अध्यापक जो है वो देख रहे हैं, और किस तरह से इसमें औपचारिक और अनौपचारिक मूल्य निर्धारण होगा वो देखिए आप यहाँ पर। तो देखिए अध्यापक द्वारा मूल्य निर्धारण करने के लिए यहाँ पर दोनों ही तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रम से योजनाबद्ध मूल्य निर्धारण, जैसे कि मौखिक, लिखित, टेस्ट, सामान्य तौर पर औपचारिक मूल्य निर्धारण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आप मौखिक रूप में बच्चों से पूछते हैं, एक तरह के मौखिक टेस्ट कह सकते हैं आप, या लिखित में कोई उनसे टेस्ट लेते हैं, तो वो सभी औपचारिक तरीके हैं। औपचारिक यानी कि फॉर्मल, जिस तरह से हम कहते हैं, तो जो सब आप ज़्यादा सामान्य तौर पर जो आम तरीके हैं उनको औपचारिक तरीके हम कह सकते हैं। अनौपचारिक मूल्य निर्धारण प्राकृतिक अनौपचारिक परिस्थितियों में किए जाते हैं तथा बच्चों को प्राय या नहीं बताया जाता है कि उनका मूल्य निर्धारण हो रहा है। तो साधारण सी बात है, ये कुछ इस तरह से आप बच्चों का आकलन करेंगे, उनका मूल्य निर्धारण करेंगे, बच्चों को पता भी ना हो। ऐसी कई स्थितियां होती हैं जब बच्चों को हम ऐसी एक्टिविटीज में लगा देते हैं, ऐसी क्रिया में कलाप कराते हैं उनसे, जिससे कि वो लगे होते हैं, उनको नहीं पता कि इसमें हमको टेस्ट किया जा रहा है या हमारा मूल्य निर्धारण किया जा रहा है, और वो इत्मीनान से उन चीज़ों को करते हैं और आप अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उनकी समझते हैं उसको, और उसके हिसाब से उनका मूल्य निर्धारण करते हैं। तो इस तरह की अनौपचारिक कई चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। बच्चों का कक्षा में, जैसे कि खेल का मैदान में या क्षेत्र भ्रमण में या दौरे के दौरान देखे जाने वाले व्यवहार का अवलोकन करना और उसे रिकॉर्ड करना अनौपचारिक मूल्य निर्धारण की कुछ तरीके हैं, कुछ किस्में हैं। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, आप बगीचे में ले जाइए, मॉल में ले जाइए, या फिर पोस्ट ऑफिस ले जाइए, या मार्केट ले जाइए, कई तरीके हैं, और भी कई तरीके हैं, खेल खेल में आपको सिखा रहे हैं, तो किस तरह से आप उनका आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, ये अनौपचारिक तरीके हैं, ये कोई बताए गए औपचारिक तरीके नहीं, अनौपचारिक हैं, इनफॉर्मल तरीके हैं ये। तो इस तरह की चीज़ों को हम अनौपचारिक मूल्य निर्धारण कहेंगे। तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। आजकल आप जानते हैं कि बच्चों की सभी स्कूलों में आजकल दोनों ही तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मूल्य निर्धारण के प्रकार जो अलग अलग हैं, यह महत्वपूर्ण है कि अध्यापक को पर्यावरण के अध्ययन के उद्देश्यों और मूल्य निर्धारण के अंतर्गत मूल्यों की जानकारी हो। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी तरीके अपना रहे हैं अनौपचारिक खासकर तौर पर, तो ये ध्यान रखें कि किस तरह से बच्चों को सिखाया जाए, मतलब वो सीखने से ही जुड़ा हो, मतलब उसका कनेक्शन सब्जेक्ट से भी हो और ऐसी चीज़ों से हो जो बच्चों को सिखाने में पॉजिटिव हो, कोई गलत उसका प्रभाव ना पड़ रहा हो बच्चों पर, यह विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो ये थे अनौपचारिक और औपचारिक मूल्य निर्धारण का डेफिनेशन। तो आगे चलते हैं 9.5.2 निर्माणात्मक और संकलित मूल्य निर्धारण। तो देखिए अब अगेन यहाँ दो टाइप के मूल्य निर्धारण की बात की गई है, तो यहाँ पर निर्माणात्मक हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए पहले बताया गया कि अध्यापक बच्चों के साथ में बाहरी दौरे पर थे, यानी कि कहीं उनको क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गए थे, और एक सप्ताह पहले ही उन्होंने प्रकृति में कीड़ों की भूमिका का पाठ पढ़ाया था और बच्चों से चर्चा की थी। जब उन्होंने जब घुमाने बच्चों को ले गए तो एक लड़के को देखा उन्होंने कि वो मधुमक्खी को मार रहा है, तो उन्होंने लड़के से बात की और बताया कि उसने बच्चे ने बताया कि मुझे मधुमक्खियों से डर लगता है, इसीलिए मैं उन्हें मार देता हूँ।
तो इससे क्या हुआ, एक बार उन्होंने बच्चे को याद दिलाया कि मधुमक्खियों से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, कैसे उससे हमें परागण मिलता है। बाद में कक्षा में उन्होंने एक नाटक भी इसके बारे में रचा और खेला बच्चों के साथ में, जिससे कि ये बताया गया कि हर प्राणी को जीने का अधिकार है, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब ये जो मूल्य निर्धारण में बच्चों को सीखने में जो कमी रह गई थी, यानी कि वो जो सिखाना चाहते थे उस पाठ के दौरान पढ़ाते समय वो रह गई थी, वो यहाँ पूर्ति हुई। और जो कमी रह गई कि बच्चों को एक निर्माणात्मक रूप में ये सीखने को मिला कि एक तरह से उनके अंदर एक अच्छी भावना का निर्माण हुआ और वो समझे रियल में कि हाँ किस तरह से कीड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, कोई भी जीव जंतु हो। तो ये उन्होंने इस तरह से सिखाया। तो इस तरह की पद्धति को निर्माणात्मक हम कह सकते हैं मूल्य निर्धारण का तरीका। और समझा उन्होंने, प्रैक्टिकली देखा उसमें क्या कमी रह गई थी जो उन्होंने पढ़ाया। बच्चे को जब करते हुए देखा कि वो मार रहा है मधुमक्खी को, तो उन्होंने इसको सुधारा और उसको अच्छे से सिखाया। तो ये देखिए, ये होता है एक तरह से मूल्य निर्धारण, कमी को समझना कि पढ़ने में समझने में बच्चों में क्या कमी रह गई है। अब आगे इसमें बताया गया है कि जो अध्यापक के अधिगम में आने वाली रुकावटों को उसी समय दूर करने का प्रयास करता है। निर्माणात्मक मूल्य निर्धारण में उसी समय पहचाना जाता है और वहीं पर सुधार करने के लिए प्रयास किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, एक यह घटना पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के में पाठ के अंत में टेस्ट के बारे में है। अब एक और घटना बताई गई है कि अध्यापक एक प्रश्न का उत्तर लिखने को कहते कहा बच्चों से, और समझने को कहा कि बच्चे मानव पौधे और कीड़ों के, यानी कीटों और जानवरों के बारे में संबंधों के बारे में, उनके नजदीकी संबंध को कितनी अच्छी तरह से समझ लिया है। तो एक टेस्ट के माध्यम से जो पाठ पढ़ाया गया था, जो चीजें करी गई थी, उसका आकलन किया जा रहा है कि मानव पौधे और कीड़े और जानवरों में क्या संबंध है। तो लिखित टेस्ट के अलावा अध्यापक ने एक ग्रुप डिस्कशन भी किया, समूह चर्चा का आयोजन भी किया, जिससे संकलनात्मक मूल्य निर्धारण में सहायता मिली। तो पर्यावरण अध्ययन का जो प्रकरण है, हमारा परिवार और मित्र, आप सभी जानते ही होंगे, ये प्रकरण है इसमें पर्यावरण अध्ययन में। पढ़ाने के बाद बच्चों को कार्य के इस मूल्य निर्धारण ने अध्यापक को यह समझने में सहायता की कितने बच्चों को पर्यावरण अध्ययन की इस महत्वपूर्ण धारणा को समझ में आया है, उसमें क्या कमी रह गई है। तो उन्होंने जब लिखित टेस्ट लिया कि किस तरह से वो मानव कीड़े और जानवरों और पौधों के बीच में संबंध समझ पाए हैं, तो लिखित टेस्ट से उन्हें ये क्लियर हुआ कि कितने बच्चे समझ पाए हैं, कितने बच्चे नहीं समझ पाए हैं। तो संकलन मतलब कि एक आंकड़ों के तौर पे उन्हें पता चला। मान लीजिए जैसे उन्होंने बताया कि 40 बच्चे थे, तो उसमें से 14 बच्चे मानव तथा प्राणियों के बीच संबंध को समझ नहीं पाए, और बाकियों ने इसको अच्छे से समझा। तो एक अनुमान उनको लग पाया कि कितने बच्चों में वाकई में समझ आया है, कितनों में नहीं आया है, और उसके प्रति उन्होंने आगे कदम उठाए। तो इस तरह से ये संकलन, यानी कि एक तरह से आंकड़ों के फॉर्मेट में और रियल में टेस्ट के जरिए ये चीज़ की जा रही है। निर्माणात्मक में हमने दूसरे तरीके से किया था और संकलनात्मक में हमने अलग किया है। तो ये दोनों तरीके आपको यहाँ समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंट है इनको अच्छे से समझते जाइए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ही तरीके इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस तरह का इस्तेमाल होना चाहिए। अगला है 9.6, मूल्य निर्धारण को क्या अच्छा बनाता है। तो अब मूल्य निर्धारण तो हमको करना है, लेकिन इसको अच्छा बनाने की क्या क्या चीजें हैं वो यहाँ बात करेंगे। एक अच्छा निर्धारण प्रभावशाली तभी होगा जब ये वैध हो, विश्वसनीय हो, न्याय संगत हो और लचीला हो। तो ये सारी क्वालिटीज मूल्य निर्धारण में होनी चाहिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो ये चार महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो इसको समझते हैं। पहला, वैध मूल्य। तो देखिए, वैध का मतलब यह है कि जो उद्देश्य हम पर्यावरण के निर्धारित करते हैं, जो कुछ सिखाना चाहते हैं किसी भी चीज को लेकर, उसी से हमारा संबंधित हो जो हम मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। जिन चीजों को हम टेस्ट करना चाहते हैं, जिन क्षमताओं को परखना चाहते हैं, वो सब जो मूल्य निर्धारण है उससे जुड़ा होना चाहिए जो हमने निश्चित किए हैं। अब विश्वसनीय मूल्य, तो देखिए, विश्वसनीय का मतलब यह है कि आप अलग अलग अध्यापक जो होते हैं वो कई तरह की पद्धतियों का इस्तेमाल करके कई चीज़ों से संबंध जोड़कर सिखा सकते हैं चीज़ों को। तो विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिणाम इसके वही होने चाहिए कि एक मूल्य निर्धारण का जो उद्देश्य है, बच्चों को समझना और उसका सही मूल्यांकन करना, वो निकल कर सामने आ सके जो भी हम लेकर चल रहे हैं। तो विश्वसनीयता इसमें बहुत आवश्यक है जो हम मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। न्याय संगत का मतलब यह है, तीसरा पॉइंट है, कि शिक्षार्थी में कोई भेद ना हो, बच्चों में कोई भेद ना हो, बच्चे का आकलन मूल्यांकन इस तरह से किया जाए, मूल्य निर्धारण इस तरह से किया जाए उसका मूल्य निर्धारण, कि सभी बच्चों की जो क्षमता है उसका आकलन सभी का एक समान रूप से हो सके, उसमें कोई भेदभाव ना रह जाए कि किसी बच्चों की सही आकलन नहीं हो पाया, किसी का कम रह गया।
सभी में समान रूप से ध्यान में रखकर ये चीज होनी चाहिए। लचीला आखिरी पॉइंट है, तो लचीलेपन का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, कि उसको बदला जा सके, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो कि समय और आवश्यकता के अनुसार, विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार, पढ़ने पढ़ाने की तकनीक के अनुसार और उसको बदला जा सके, मूल्य निर्धारण को, मूल्यांकन के तरीकों को। तो ये सभी यहाँ पर समझना चाहिए और अधिगम केंद्रित होना चाहिए मूल्य निर्धारण, यानी कि पूरा पढ़ने पढ़ाने पर केंद्रित हो, एक तरह से विद्यार्थी केंद्रित हो, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर बताया गया है अधिगम केंद्रित मूल्य निर्धारण का अगला पॉइंट है 9.7। यहाँ पर बताया गया है स्व मूल्य निर्धारण और समकक्ष समूह का मूल्य निर्धारण। तो देखिए, स्व मूल्य निर्धारण का मतलब है कि बच्चे ने क्या सीखा, इसका मूल्य निर्धारण हम कई प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके तरीके स्व मूल्य निर्धारण में आएंगे कि आप उनके साथियों से ही कहें, जो बच्चों के सहपाठी हैं, कि आप बच्चों का, उनके साथी का मूल्यांकन करें। तो इसमें देखिए, एक सर ने एक बच्चे से कहा, बच्चों से, प्रत्येक बच्चे से कहा कि प्रस्तुति जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि वह एक जानवर या पक्षी का वर्णन करें जिसे वास्तव में उन्होंने देखा हो। अब उन्होंने बाद में हर बच्चे से कहा कि अपनी जो भी बातें आपने बताई हैं उस प्रेजेंटेशन में, वो उसके बारे में दो अच्छी बातें और बताएं, और एक पक्ष से कहा कि जिसमें सुधार की आवश्यकता है वो बताएं। तो एक तरह से बच्चों से ही कहा कि अच्छी और बुरी बातें बताने को, कि सुधार जिसमें ज़रूरत है। तो बच्चों के जरिए यहाँ पर मूल निर्धारण की प्रक्रिया की जा रही है, कि इस तरह से बच्चे अपना सहयोग कर रहे हैं अपने सहपाठी का मूल निर्धारण करने में किसी चीज़ के बारे में। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जब बच्चा एक सहपाठी द्वारा बनाए गए मानचित्र का, विद्यालय का जो उन्होंने बनाया है, करता है, तो इसे सहपाठी द्वारा मूल्य निर्धारण कहते हैं। तो इस तरह की टेक्निक को सहपाठी द्वारा मूल्य निर्धारण कहा जाएगा। अध्यापक को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सहपाठी जो कर रहे हैं उनका मूल्यांकन वो सही ढंग से करें, उसकी उसमें कोई गलती ना हो। कक्षा में 60 बैठने वाले सहपाठी जब एक विद्यार्थी की किसी कौशल की प्रशंसा करते हैं तो इससे उनका मनोबल काफ़ी बढ़ता है, और इसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है किस तरह से सहपाठी द्वारा मूल्यांकन किया गया। तो इसको आकलित भी कर सकते हैं हम कि क्या उसकी परफॉर्मेंस रही बच्चों के सामने, उसके सहपाठियों के सामने। तो विभिन्न प्रकार के स्व मूल्य निर्धारण तरीके हम सहपाठियों के द्वारा मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वयं तथा साथियों की प्रशंसा बच्चे को काफ़ी अच्छा महसूस कराती है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो सहयोगी अधिगम के दौरान समूह के सदस्यों को अन्य सदस्यों के सकारात्मक व्यवहार, जैसे मदद करना, बढ़ावा देना, मूल्य निर्धारण करने को कहा जा सकता है। यानी कि सहयोगी अधिगम इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योग भूमिका निभाता है, इसीलिए इसको एक महत्वपूर्ण माना गया है, जिससे सहपाठियों और साथियों के संग एक तालमेल बैठा सकें और उनके संग हर चीज़ हो सकती है, सीखने सिखाने से लेकर मूल्य निर्धारण तक सब कुछ हो सकता है। यहाँ सोशियोमेट्री के बारे में बताया गया है। सोशियोमेट्री का मतलब होता है समाजमिति एक तरह से। तो सोशियोमेट्री का उद्देश्य यही होता है कि किस तरह से आपस में मिलजुल कर सीखा जा सकता है और विश्वसनीयता लाकर ग्रुप में काम करके सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसे जैकब मोरिनो ने 1887 से 1974 के बीच में इसकी ड्यूरेशन बताया गया है। तो ये याद रखें आप, सोशियोमेट्री आपसे पूछा जा सकता है। अध्यापक जानते हैं कि ग्रुप में जब हम काम करते हैं तो कई चीज़ों के बारे में समझना, रूपरेखाएं बनाना बहुत आसान हो जाता है, और विशिष्ट मित्रता भी इससे पनपती है, और बच्चों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पर ग्रुप में कई चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ बच्चों को कम पसंद किया जाता है, कुछ लोगों को ज़्यादा स्वीकार किया जाता है, तो सब तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। यहाँ मित्रता और अस्वीकार करना इस बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समूह अधिगम यानी कि ग्रुप में जब कोई चीज़ कर रहे हैं तो अध्यापक किस प्रकार समूह में मैनेजमेंट करेगा, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। तो सहपाठी मूल्य निर्धारण यानी कि सोशियोमेट्री मूल निर्धारण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, यानी कि ग्रुप में जब चीज़ों को कराना है तो ये भी मूल्य निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बच्चों के समूह एकल लोकप्रिय बच्चों को जानने में सहायता करते हैं। नीचे दिए गए चित्र से आप ये अनुमान, कई चित्रों से आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि किस प्रकार सोशियोमेट्रिक की तकनीकें अध्यापक को कक्षा में अंतर संबंध समझने में सहायता करती हैं। तो कई ऐसी टेक्निक हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि किस तरह से ग्रुप में सहयोगी अधिगम या ग्रुप समूह अधिगम के जरिए बच्चों को किस तरह का विकास किया जा सकता है, सोशियोमेट्री में यही बताया गया है। तो ये था टॉपिक, बस यहीं तक।
इसको हम यहीं रखते हैं, इस लेक्चर को बस यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम संचित संचयी रिकॉर्ड पढ़ेंगे। तो आप अगर लेक्चर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। जुड़े नहीं हैं तो अभी जुड़िए, सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और घंटी के बटन को सभी ज़रूर दबाएँ, जिससे हर लेक्चर आप तक ज़रूर पहुँचे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।